तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। वैसे अभी साल 2023 की जब शुरुआत हुई थी तो किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जब ये साल खत्म होगा तो हमें इतना बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा, जहां सिर्फ एक नहीं दो ग्लोबल स्टार आमने सामने होंगे और जिन दो मूवी से हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो दोनों ऐसे टक्कर में आ जाएंगी। भाई साहब, दोनों मूवी धड़ल्ले से आगे चल रही हैं और कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस स्कैम की रिपोर्ट भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रही है। दोनों मूवी ने यानी कल डंकी ने डे 10 कंप्लीट करा था, सैटरडे को तबाही मचाई थी सेकंड सैटरडे को, एंड आज है संडे और आज के दिन भी तबाही मचाते नजर आ रहा है। साथ में सालार भी कल सैटरडे यानी सेकंड सैटरडे को, जिसका कल डे 9 था, उसने भी तबाही मचाई और आज सालार का डे 10 है। भाई दोनों मूवीज जबरदस्त काम कर रही हैं। अगर ये सिंगल रिलीज होती तो ये जो कलेक्शन हमें बटा हुआ देखने को मिल रहा है नॉर्थ से साउथ से ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, भाई साहब ये एक सिंगल मूवीज को जाता और हो सकता था मे बी ये ऐसे रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता इंडियन सिनेमा में जो सालों साल तक मुझे नहीं लग रहा किसी भी और अदर सिनेमा से टूट पाते। सभी चीज़ों पर नजर मारेंगे, कल डंकी का कैसा दिन रहा है, सालार का कैसा दिन रहा है, दोनों मूवीज ने अभी तक कितनी कितनी कमाई कर ली है वर्ल्ड वाइड, नेट इंडियन से, ग्रॉस कलेक्शन से, सभी चीजों पर एक एक करके नजर मारेंगे। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, डंकी से शुरुआत करेंगे और कल डे 10 था डंकी का, जिसने नेट इंडिया से 9,30,00,000 के अराउंड में कलेक्शन किया है और ग्रॉस कलेक्शन में 12 करोड़ डंकी के आसपास आते नजर आया है। ओवरसीज से 8 करोड़, पूरी दुनिया से 20 करोड़। भाई साहब डंकी को जो भी कलेक्शन मिल रही है, ग्लोबल स्टार शाहरुख खान या फिर मैं डंकी के मेकर्स कह लूँ, ये लोग फुल सेटिस्फाइड हैं। जो भी इनको कलेक्शन मिल रही है भाई, जिस हिसाब का इनके पास रेस्पॉन्स आ रहा है, फुल सेटिस्फाइड है, क्योंकि एक एक मोमेंट को शेयर कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना कर लिया है इसने वो अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले 10 दिन का अगर मैं बताऊं तो नेट इंडिया से 176,53,00,000 ग्रॉस कलेक्शन, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 200 करोड़, एंड पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 360,70,00,000 का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी है। नो डाउट ये मूवी 500 करोड़ टच करने वाली है और भाई साहब शाहरुख खान के खाते में ये तीसरी EMI इतनी जबरदस्त तरीके से चढ़ी जाएगी, किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी। लेकिन एक बार के लिए एजम्पशन था, एक बार के लिए प्रिडिक्शन था कि भाई साहब जैसे जवान, पठान 1,000 करोड़ ठोक के गई है, शायद डंकी भी ठोक के जाएगी। लेकिन अगर सालार का क्लैश नहीं होता तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता था। 1,000 करोड़ एक बार के लिए बड़ा अमाउंट है, 800 करोड़ तो ईजिली ये मूवी ठोक के जा सकती थी। लेकिन फिर भी 500-550 करोड़ का EMI भी अगर ये फुल सेट कर देती है तो भाई शाहरुख खान जैसा ग्लोबल स्टार मुझे नहीं लगता कि भाई साहब इंडियन सिनेमा में ऐसे कोई रिकॉर्ड्स डेकेड्स ऑफ डेकेड्स में ऐसे रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। इवन मैं ग्लोबल स्टार इंटरनेशनली मूवी की भी बात कर लूँ, भाई साहब एक ही साल में मूवी लाना और वो भी तीनों ब्लॉकबस्टर हिट लाना कोई बिल्कुल मामूली बात नहीं है। बात करें आज डे 11 कैसा चल रहा है, भाई साहब आज भी तबाही। आज तो संडे है और आज संडे में तो फुल तबाही चलेगी। देन उसके बाद 31 दिसंबर है जो फुल इंजॉयमेंट का डे माना जाता है, क्योंकि साल का आखिरी दिन है और लोग फुल सेलिब्रेट करते हैं। तो यस, सेलिब्रेट करने का एक और तरीका बस एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट के लिए भाई सिनेमा जाना ही पड़ेगा, एक पार्ट है एंटरटेनमेंट का, तो सिनेमा के लिए यूज करेंगे ही। तो यहाँ डंकी या सालार दोनों को जबरदस्त फायदा देखने को मिल रहा है। वहीं कल न्यू ईयर है तो भाई साहब फुल नाइट जबरदस्त तबाही चलने वाली है। आज अगर मैं डे 11 की एडवांस बुकिंग बताऊँ तो इस मूवी ने डंकी ने 3,86,00,000 के आसपास एडवांस बुकिंग ली थी। आज नेट इंडिया से 11 करोड़ करती नजर आ रही है, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 14 करोड़ एंड ऑफ द डे तक, ओवरसीज से 8 करोड़, पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 22 करोड़ के आसपास अपने खाते में रखते नजर आ रही है। तो पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 383 या फिर 385 करोड़ के आसपास ह्यूज कलेक्शन कर लेगी, जो भाई सब 500 करोड़ कंप्लीट करने के लिए 125 करोड़ और चाहिए, जो बिल्कुल भी दूर नहीं है और इजीली ये कवर अप कर सकती है। क्योंकि अगर ठीक है मानते हैं कि न्यू ईयर यानी जनवरी अगर आती है तो वहाँ कैप्टन मिलर जो 14 या 12 जनवरी के आसपास रिलीज हो जाएगी, तो वो डेट बहुत दूर है क्योंकि उससे पहले सिनेमा में और कोई मूवीज है नहीं। तो इन दोनों मूवीज के पास अच्छा चांस है डंकी एंड सालार के लिए, यहाँ डंकी भी अच्छा दाव मार सकती है। बात करते हैं सालार की, क्योंकि सालार के पीछे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चल रही है, बहुत ज़्यादा स्कैम की रिपोर्ट चल रही है और एक बार के लिए भाई वो प्रूव होते हुए नजर आ रहा है मेकर्स की तरफ से, क्योंकि मेकर्स बिल्कुल भी एक एक मोमेंट को जैसे डंकी के मेकर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं फैंस के साथ, वो अपनी चीज़ यानी अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो सिर्फ अराउंड में बता रहे हैं। और आज अभी मैं देख रहा था 600 करोड़ लोडिंग के हिसाब से बता रहे थे, जबकि एक एग्जैक्ट डेटा उन्हें भेज देना चाहिए, जबकि बॉक्स ऑफिस टेक्निक की जो रिपोर्ट है भाई साहब वो पूरा कवर कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, लेकिन मेकर्स की तरफ से जो भी डेटा जा रहे हैं
वो एक बार के लिए अजम्पशंस प्रिडिक्शंस के हिसाब से आ रहे हैं, एक्यूरेसी को टच नहीं कर रहे हैं। तो कल डे 9 की बात करते हैं। सालार का डे 9 कैसा रहा है भाई? नेट इंडिया से कल ये मूवी कल सेकंड सैटरडे में अच्छी खासी ग्रोथ करते नजर आई है। जो वर्किंग डेज में डाउनफॉल नजर आ रहा था वो अब बढ़ावा देखने को मिला है सैटरडे को। और आज तो वैसे भी संडे है, फुल हॉलीडे चलेगा भाई, तो आज तो वैसे भी जबरदस्त कमाई करने ही वाली है। तो नेट इंडिया से 12 करोड़ 55 लाख एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 16 करोड़, ओवरसीज से लगभग 8 से 9 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है कल एंड ऑफ द डे तक। एंड पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 24 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रखते नजर आ रही है पूरी दुनिया से। तो पहले 9 दिन में ही नेट इंडिया से 330 करोड़ 17 लाख, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 389 करोड़ 60 लाख, ओवरसीज से 180 करोड़ एंड पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 570 से 572 करोड़ के आसपास मेकर्स के हिसाब से ये मूवी इतना कलेक्शन करते नजर आ रही है। जो आज एंड ऑफ द डे तक 600 करोड़ का प्रॉमिस करा जा रहा है कि ये मूवी 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मार जाएगी। लेकिन वहीं सैकनिक की रिपोर्ट देखें, अकॉर्डिंग टू सैकनिक का कहना है कि कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 504 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी है। तो आपको जो मानना है वो उठा के ले लीजिए। बात करें आज डे 10 सालार का डे 10 कैसा है, तो भाई सब जबरदस्त है क्योंकि बुकिंग में बढ़ावा देखने को मिला है और जहां हिंदी से बहुत अच्छा बढ़ावा देखने को मिला है, हिंदी डब्ड वर्जन है। इसके बावजूद 4 करोड़ 34 लाख टोटल बुकिंग हुई आज 10वें दिन के लिए, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 2 करोड़ 39 लाख आते नजर आ रहा है। और नेट इंडिया से आज 14 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन एंड ऑफ द डे तक ये मूवी सेट करते नजर आ रही है, जो अर्ली एस्टिमेट है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 17 से 18 करोड़ के आसपास एंड ओवरसीज से 8 से 9 करोड़ आज भी कमाते नजर आ रही है। देन पूरी दुनिया से ये मूवी भाई साहब 25 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रखते नजर आ रही है आज एंड ऑफ द डे तक। बात करें भाई साहब कि आज एंड ऑफ द डे तक पूरी दुनिया से ये मूवी कितना कलेक्शन कर लेगी, अकॉर्डिंग टू सैकनिक 530 करोड़ के आसपास एंड अकॉर्डिंग टू मेकर्स के जो डेटा निकल रहे हैं उनके हिसाब से 600 करोड़ के क्लब में ये मूवी एंट्री मार जाएगी। क्या सच है क्या नहीं वो आप लोग चूज कर रहे हैं ना, मैंने दोनों ही बता दिया भाई साहब। तो दोनों मूवी तबाही करते नजर आ रही है। क्या सालार 1000 करोड़ टच कर जाएगी, क्या डंकी 500 करोड़ टच कर जाएगी? आप लोगों के हिसाब से कौन सी मूवी बेस्ट है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो भाई साहब आज 31 है, 31 दिसंबर है, देन उसके बाद कल न्यू ईयर है, तो जबरदस्त हॉलीडे मिल रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाओ और एंटरटेनमेंट के लिए दोनों मूवीज़ का इस्तेमाल करो। मैं नहीं कह रहा कि इसके लिए जाओ या उसके लिए जाओ, बेस्ट है एंटरटेनमेंट पर्पज़ से दोनों मूवी बेस्ट हैं। कि अगर वैल्यूबल लाइफ लेसन लेना है, थोड़ा फन लेना है, कॉमेडी लेना है, इमोशनल लेना है, तो डंकी के पास जाओ। देन सालार को अगर एक्शन लेना है भाई साहब, एक्शन वायलेंस ब्रुटैलिटी KGF जैसा अगर आपको यूनिवर्स, वो KGF में जो ऑरा निकला था वो चीज़ आपको पसंद है, तो भाई साहब सालार देखने जाओ। दोनों दमदार मूवी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।